रायगढ़ में सड़क सुरक्षा माह का समापन पुलिस विभाग द्वारा पुरस्कार वितरण के साथ किया गया। वहीं जिला कलेक्टर भीम सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आपको बता दें, एक माह तक जिला पुलिस द्वारा रायगढ़ के सभी ब्लॉक में यातायात जागरूकता को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रायगढ़ में सड़क सुरक्षा माह का समापन पुलिस विभाग द्वारा पुरस्कार वितरण के साथ किया गया। समापन समारोह में जिला कलेक्टर भीम सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। एक माह तक जिला पुलिस द्वारा रायगढ़ के सभी ब्लॉक में यातायात जागरूकता को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्कूली छात्रों के लिए विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की गयी थी, जिसमे स्कूली छात्रों ने यातायात से संबंधित अपनी जानकारी व सुझाव प्रकट कर यातायात के प्रति अपनी जागरूकता का परिचय दिया। स्लोगन राइडिंग, रंगोली प्रतियोगिता, पेंटिंग ड्राइंग आदि प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय आए स्कूली छात्रों को जिला कलेक्टर के द्वारा पुरस्कार वितरण किया गया। पुलिस विभाग द्वारा ऐसी संस्थाओं व व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने पूरे माह भर चले विभिन्न प्रकार के आयोजनों में अपना सहयोग देकर सड़क सुरक्षा माह को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ट्रैफिक DSP, जिला परिवहन अधिकारी व समस्त थाना प्रभारी तथा पुलिस कर्मियों सहित शहर के गणमान्य नागरिक, स्कूली छात्र, समाज सेवी संस्थाओं के प्रमुख उपस्थित रहे। यातायात सुरक्षा माह के समापन अवसर पर जिला कलेक्टर ने जिला पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि जिले में सड़कों के निर्माण पर कार्य जारी है। सड़क सुरक्षा समिति की नियमित बैठक में जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के प्रयासों पर चर्चा कर निर्णय लिए जा रहे हैं। यातायात व्यवस्था में सुधार के साथ ही दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु को रोकना हमारी प्रमुखता है। जिले में यातायात व्यवस्था की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने ट्रैफिक DSP पुष्पेंद्र बघेल की तारीफ करते हुए पूरे आयोजन की सफलता का श्रेय जिले वासियों को दिया। उन्होंने कहा कि रायगढ़ के सभी लोगों के प्रयास व सहयोग से इस कार्यक्रम का पुलिस विभाग ने सफलतापूर्वक आयोजन किया है। इस अवधि में पुलिस व परिवहन विभाग की संयुक्त कार्यवाही के तहत ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने की प्रक्रिया पूरी की गई है। पुलिस विभाग ने हेलमेट वितरण कर हेलमेट के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। हम सभी को यातायात नियमों के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है, तभी हम सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली वृद्धि को रोक सकते हैं। मैम, ये कार्यालय पुलिस अधीक्षक ने यातायात पुलिस पर ये रंगोली कंपटीशन था, जिसमें मैंने फर्स्ट प्राइज हासिल किया है। कैसे महसूस हो रहा है, कुछ बोलना चाहोगी बच्चों को? मैम, बहुत खुशी हो रही है और मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि सबके सब ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। यातायात माह, पूरा सड़क सुरक्षा माह इस बार पूरे एक महीना चला है और SP साहब के मार्गदर्शन में पूरे पुलिस और RTO ने मिलके पूरा एक महीना लगातार कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ की हैं, जिसमें ड्राइवर्स का लाइसेंस को चेकिंग कर, गाड़ियों के चेकिंग किया, उनकी फिटनेस की चेकिंग किया जाना, इसके अलावा युवाओं को शामिल करके, महिलाओं को शामिल करके अवेयरनेस कैंपेन, और ये हर विकासखंड में किया गया है बहुत सक्सेसफुली। बहुत सारी प्रतियोगिताएँ बच्चों के बीच में भी की गई हैं, क्योंकि बच्चों को भी ट्रैफिक की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये सक्सेसफुली पूरा एक महीना जो माह मनाया गया है सड़क सुरक्षा के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा और मुझे पूरी आशा है एक्सीडेंट भी कम करने में हम लोग कामयाब होंगे। एक माह से जिला पुलिस यातायात विभाग द्वारा और RTO और जिला प्रशासन के सहयोग से सड़क सुरक्षा माह मनाया गया था। ये माह का आयोजन इसलिए किया गया था ताकि लोगों में यातायात के प्रति जागरूकता की जा सके। जिले में बहुत सारे रोड दुर्घटनाएँ होती रहती है, जिसमें लोगों की अकाल मृत्यु होती है, बहुत सारे लोग घायल होते हैं। उसके लिए जो पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाइयाँ तो की जाती है, लेकिन जो ड्रंकन ड्राइविंग हो, चाहे रैश ड्राइविंग हो, चाहे सड़क पे अमर्यादित व्यवहार हो जिससे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन होता हो, ऐसे सारे लोग जो चीज़ें होती है उसको रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हर साल ये एक सप्ताह के लिए मनाया जाता था, इस साल ये पूरे एक माह मनाया गया है और लोगों को न केवल ब्लॉक मुख्यालय, यहाँ जिला मुख्यालय पे, बल्कि हर ब्लॉक मुख्यालय पे अलग अलग प्रतियोगिताओं द्वारा आयोजन करके बच्चों के लिए प्रतियोगिताएँ आयोजन की गई, ड्राइवर्स के लाइसेंस निरस्त्रीकरण और उनकी लाइसेंस चेकिंग, मेडिकल कैंप्स लगाए गए, ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए, नुक्कड़ नाटक किए गए, तमाम ऐसे आयोजन रहे जिससे जो DSP ट्रैफिक है पुष्पेंद्र बघेल, उनकी और उनकी पूरी जो टीम है पूरे ज़िले भर में, इन लोगों ने इस तरह के आयोजन एक माह करवाए और निश्चित रूप से इस तरह के प्रोग्राम जो होते हैं लोगों को जागरूकता उसको बढ़ाते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसका कुछ फ़र्क हम लोग को वास्तव में सड़क दुर्घटनाओं के कमी के रूप में, लोगों की मौतों की कमी के रूप में देखने को मिलेगा। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।